कलियर शरीफ में शाह सकलैन मियां हुजूर की सरपरस्ती और क़यादत में जुलूस गौसिया का अहतमाम। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पाक सरजमीन कलियर शरीफ में पीर मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर की सरपरस्ती और क़यादत में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस गौसिया व जश्न गौस आज़म का अहतमाम किया गया। रोज़ इतवार 6 नवंबर 2022 पीर मुर्शिद मियां हुजूर कलियर शरीफ तशरीफ़ ले गए। आपकी आमद पर दरगाह साबिर पाक से 4 किलोमीटर पहले कोर कॉलेज दिल्ली हाईवे पर हार फूलों की बारिशों से ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। इस बीच हज़ारों अकीदतमंदों के साथ बेशुमार कारों व मोटरसाइकिलों का एक बड़ा काफिला मौजूद था। रात में बाद नमाज ईशा क़िबला मियां हुजूर की सरपरस्ती में जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु मनाया गया, जिसमें खसूसी तौर पर नायब सज्जादा दरगाह साबिर पाक शाह याबिर एजाज साबरी साहब व मेहमान ज़ीवकार जनाब गाजी मियां साहब मौजूद रहे। प्रोग्राम की निज़ामत जनाब अफजल मंगलोरी साहब ने की। प्रोग्राम में पीरान पीर हजूर सैदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत व फजीलत पर उलमाए किराम ने रोशनी डाली। जनाब हाफिज आमिर सकलैनी और हसीब रौनक सकलैनी ने नातो मनकबत शरीफ के शानदार कलाम पढ़े। अगले रोज़ 7 नवंबर मुताबिक 11वीं शरीफ ईद गौसिया के मुबारक को पुरनूर मौके पर सुबह 11 बजे शुएब गेस्ट हाउस से क़िबला हज़रत शाह सकलैन मियां हुजूर की सरपरस्ती और क़यादत में जुलूस गौसिया निकाला गया। जुलूस में इस दौरान शाह याविर एजाज साबरी साहब जनाब गाजी मियाँ साहब शादाब सकलैनी गुलशाद साबरी व दीगर दरगाह शरीफ के मुंतजमीन व जिम्मेदारान साथ में रहे। जुलूस में रास्ते भर हजरत गौसे पाक व साबिर पाक के नारों की रूह परवर सदाएँ बुलंद होती रहीं। जुलूस का दरगाह हजरत साबिर पाक पर पहुँच कर इख्तिताम हुआ। हज़रत साबिर पाक के मज़ार मुक़दस पर मियां हुजूर ने चादर व गुलपोशी की और साबिर पाक की दरगाह शरीफ पर अल्लाह ताला से तमाम हाज़रीन व मोतक़दीन के हक़ में बेहतरी के लिए और मुल्क में अमन व चैन की दुआएं की गईं। इस दौरान फातह शरीफ व ज़िक्र अल्लाह का भी अहतमाम हुआ। इसके बाद दरगाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा हज़रत शाह अली मंज़र एजाज साबरी कुद्दूसी साहब ने अपने मकान पर क़िबला मियां हुजूर का इस्तकबाल किया और मौके पर अपने मेहमान खाने में बड़े पैमाने पर साबरी लंगर किया, जिसमें हज़ारों अकीदतमंदों ने लंगर का खूब लुत्फ़ लिया। इस प्रोग्राम में शादाब सकलैनी गुलशाद साबरी व दीगर जिम्मेदारान देख रेख में ख़ास तौर पर शामिल रहे। मालूम हो कि बरेली से कलियर शरीफ के सफ़र में नजीबाबाद पहुंचने पर पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियां हुजूर का मुरीदीन ने ज़ोरदार इस्तकबाल किया और इस मौके पर फातह खानी व लंगर का भी अहतमाम किया गया। तमाम अकीदतमंदों व मुरीदीन ने अपने पीर का दीदार किया और खूब दुआएं हासिल कीं। इसके बाद क़िबला शाह सकलैन मियां हुजूर हरिद्वार के जंगलात में भी तशरीफ़ ले गए। वहां के रहने वाले गुर्जर मुरीदीन ने भी पीर मुर्शिद का पुरजोर इस्तकबाल किया और इस मौके पर जश्न शाह शराफत मनाया गया और अपने अपने इलाकों व डेरों में बड़े पैमाने पर फातहा व लंगर का भी अहतमाम किया गया। इसके अलावा हरिद्वार के गंडी खाता गुजर बस्ती में मदरसा अरबिया गुलशन शाह सकलैन में एक शानदार प्रोग्राम जश्न शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया। इस मौके पर मदरसे में हाफिजा मुकम्मल करने वाले तलबा की पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियां हुजूर ने दस्तारबंदी की और सबको अपनी दुआओं से नवाजा। इस दौरान बेशुमार तादाद में गुजर हजरात मियां हुजूर से मुरीद भी हुए। बतारीख 8 नवंबर 2022 बरोज मंगल को मियां हुजूर की बरेली शरीफ वापसी हुई। दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और सांस के साथ बगैर आवाज के मन ही मन में अल्लाह हू तसव्वुर में
अल्लाह के साथ सांस खींचो और रूह के साथ दिल पे सर लगाओ और ख्याल में कहते जाओ अल्लाह, जुबान से नहीं आवाज से बल्कि मन ही मन। जी बैठ हो गए आप लोग और जिक्र को जरूर करो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद जितनी देर हो सके थोड़ी देर हो। इस जिक्र के बड़े फायदे हैं, जिक्र को हजरत साहब ने राइज किया है सांस के साथ। और सैयद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिक्र मनकूल है। आप बहुत सी बातें हैं वो तो फिर कभी बयान होंगी। बहरहाल सांस के जिक्र का ये फायदा है कि मरते वक्त आदमी का तमाम आधा आँख नाक कान हाथ पांव सब चीजें बिल्कुल मुअत्तल हो जाती हैं, यानी बिल्कुल कमजोर और सांस का डोरा चलता रहता है। जिन लोगों को आदत हो जाती है इसकी मुदावमत से, इसकी पाबंदी से, वो उनके दिल जाकिर हो जाते हैं। वो जब भी सांस लेते हैं उनकी सांस से अल्लाह 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 जारी रहता है। मरते वक्त अगर उनको कोई याद दिलाए जिक्र करने की, तो वो उस जुबान से अगर नहीं कह कर सकते हैं सांस के साथ वो कर ही सकते हैं। तो अल्लाह की याद में अगर मौत होगी देखिएगा, आज हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा पीरो मुर्शिद नसीब हुआ है। वरना हम देखते आ रहे हैं कि हाँ लोग किस किस तरीके से पीरी मुरीदी के नाम पे ठगे जाते हैं। हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमें पीरो मुर्शिद ने अपने आप के दामन से जोड़ा है। और देखिए, आज एक बहुत ही अंदर पीरो मुर्शिद गए थे, रात पीली पड़ाव में थे, उससे पीछे पीरो मुर्शिद रात ऋषिकेश से पीछे एक जगह ब्यास से शिवपुरी करके है वहाँ पर गए थे। उसके बाद आज दियावाली काफ़ी अरसे के बाद मियां हुजूर पहुँचे हैं। कुछ जगहें और छूटी भी हैं अभी मियां हुजूर की उससे, लेकिन जितना ये भीड़ भाड़ है आज और पीरो मुर्शिद का आज जो आने की खुशी यहाँ पर जाहिर हुई है, बहुत तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है। आज मदरसे में दस्तारबंदी यहाँ पर थी, उस पांच बच्चों की पीरो मुर्शिद के ही नाम से यहाँ पे मदरसे कायम है, जिसमें एक मदरसे में दस्तारबंदी हुई है, अभी एक में बाकी रह गई है। फिर इंशाल्लाह मियां हुजूर कभी वक्त मिलेगा तो उस मदरसे की भी का भी प्रोग्राम अभी होना है, और इसके बाद अब पीरो मुर्शिद कलियर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। Oh.
मेरा नाम गुलशाह सिद्दीकी है और मैं कलिया शरीफ से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से सभासद भी हूँ। हुजूर मियाँ हुजूर सकलैन मियाँ हुजूर का यहाँ कल आमद हुई थी अपने मुरीदैन के साथ जो हज़ारों की तादाद में थे और माशाल्लाह यहाँ पर मेरे गेस्ट हाउस शुएब गेस्ट हाउस में उनका क़याम भी रहा और यहाँ पर फातह खानी भी रही जिलानी बाबा की दरगाह शरीफ में और सुबह भी जुलूस गौसिया हुआ जिसमें हज़रत के हज़ारों मुरीदों ने सब ने उसमें हिस्सा लिया और दरबार साबिर पाक में हाजिरी। यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो एक अजीब मंजर होता है और गरीब जो हमारे आसपास जो दुकानदार हजरात जो हैं वो भी बड़े खुशी और खुर्रम रहते हैं कि हुजूर के हजरत के आने से यहाँ पर पूरा एक उर्स नुमा हो जाता है, माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि हर चीज़ यहाँ पर हर पूरा माहौल यहाँ पर खुशनुमा नज़र आता है। आपकी आमद आमद है, यारी शरीफ की बरकत देख रहे हैं जिमन गुलामा ने मुस्तफ़ा के तेरे तमाम बरसहा बरस से गुलशन साबरी में ये जो ग्यारहवीं शब की महफिल नूरानी है इसमें हिंदुस्तान में आज साबिर पाक के आस्थाने से बहुत बाकी है चाहिए गलियर की हुई नूरानी बता
कलियर में प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम है? ये जश्न गौसल बरा का प्रोग्राम है, इसमें हमारे पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर मद्दा जिला नूरानी को बुलाया गया है। ये रात जश्न गौसल बरा का प्रोग्राम हुआ था और अब इंशाल्लाह ताला चादर पोशी होगी साबर पाक के यहाँ पर। ये बड़ी धूमधाम से हमारे मियां हुजूर चादर शरीफ लेके जाएंगे, उसके बाद में जो हुक्म होगा वो होगा। मियां हुजूर के साथ कहाँ कहाँ से लोग आए? ये तो बम्बई के भी दिखाई दे रहे हैं, विदेश के भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया के सारे कोने के मुझे दिखाई दे रहे हैं। शाही शकलैनी, मैं दिल्ली से तशरीफ लाया हूँ और हमारे बहुत सारे पीर भाई आए हैं दिल्ली के अलावा भी, मतलब बरेली से और रामपुर से मुरादाबाद से सभी तरफ से जो है बहुत सारे पीर भाई आए हैं यहाँ कलियर शरीफ में। रात जश्न गौसल बरा प्रोग्राम था और अब कुछ देर में मियां हुजूर जो है वो साबिर पाक के आस्थाने शरीफ पे चादर शरीफ लेके जाने वाले हैं और इसी प्रोग्राम में हम सब लोग शामिल हैं इंशाल्लाह। बहुत ही बेहतर 3 साल से ये प्रोग्राम लगातार चलता चला रहा जी, बिल्कुल 3 साल से लगातार आ रहा जी। पूरी इंडिया से लोग तशरीफ लाए हुए हैं, हम लोग तो दिल्ली से आए हुए हैं लेकिन हर जगह से, मतलब दिल्ली से, बम्बई से, तुम्हारे पहाड़ों में से, सभी तरफ से लोग तशरीफ। अरे एक तरफ पहुंच जाओ ना।
ऐसे कलर हो गया सब लोग यहीं जहाँ जो जहाँ भी खड़ा है ऐसे रुक कर रखो यहीं से ही रुक कर रखो थोड़े आगे भी बढ़ेगा अच्छा यहीं रुक जो आगे तो पीछे यही रुक ये सब आगे Thank you.
जुनानी में हम तमाम को कबूल सरकार के जो शिकर का सबका था गरीब नवाज के सब के तमाम की हाजिरियों को कबूल करीम साहब।